गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर राजाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम लोग BSc पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बातचीत करेंगे। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार BSc पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 यूनिट्स आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है। इन 5 यूनिट्स में अलग अलग चैप्टर्स रखे गए हैं, जिसमें से फर्स्ट यूनिट के अंदर जो चैप्टर रखा गया है उस चैप्टर का नाम है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो आज हम लोग इसी चैप्टर के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि चैप्टर के नाम से हमें पता चल रहा है कि मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इस चैप्टर में कई चीज ऐसे हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मेटल, ये मेटल क्या है? मेटल वह है जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, अर्थात अपने आप को पॉजिटिव अवस्था में ले आए, वह मेटल है। अर्थात बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होनी चाहिए, जिसमें जितनी कम ऊर्जा लगेगी वह उतना ही स्ट्रॉन्ग मेटल। तो ये धातु है, इसके बारे में जनरली इंस्ट्रक्शन है कि ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं ये वो, लेकिन हमें ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि मेटल वह होती है जो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सके, डोनेट कर सके और धनावेश में बदल जाए। बाद का वर्ड है लिगेंड, ये आप लोगों ने प्रीवियस की क्लास BSc पार्ट सेकंड में भी पढ़ा है। आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट लिगेंड से होती है, जैसे मेटल लिगेंड बॉन्डिंग भी बताई जाती है, तो लिगेंड उसमें भी आपने पढ़ा है। फिर भी मैं आपको जनरली इंस्ट्रक्शन इसमें दे देता हूँ। लिगेंड का मतलब क्या होता है? लिगेंड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनर, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं। लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर हो सकते हैं, मेटल के साथ ये बॉन्ड बना, और जब ये इलेक्ट्रॉन लिगेंड द्वारा दिए जाते हैं तो मेटल और लिगेंड के बीच में एक बॉन्डिंग बनती है। लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, और मेटल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं या वैकेंट डी ऑर्बिटल है मेटल के पास, तो इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यदि इस मेटल को ये दे दे तो मेटल और लिगेंड के बीच में एक इस प्रकार का बॉन्डिंग होता है। इस प्रकार के बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। या डेटिव बॉन्ड भी कह सकते हैं, लिगेंड से मेटल की ओर ये इलेक्ट्रॉन डोनर, ये डोनर है ये एक्सेप्टर है, तो डोनर और एक्सेप्टर के बीच में इस प्रकार से एक बॉन्डिंग बनता है जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। यह संकुलों में पाया जाता है और संकुल हम कॉम्प्लेक्सेस को कहते हैं। तो लिगेंड की बात हो गई, मेटल की बात हो गई, अब हम बात करें बॉन्डिंग की, तो बॉन्डिंग की भी बात हो गई। अब देखिए ट्रांजिशन मेटल, इसके बारे में हम लोग अवसारणी में भी देख चुके हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जो डी ब्लॉक होता है अवसारणी में, जो पी और एस के बीच में होता है, वो सभी ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल में 3 नहीं है, कौन कौन सी नहीं है? एक तो जिंक नहीं है, एक कैडमियम नहीं है और एक मरकरी नहीं है। जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन 3 को छोड़ करके सारे डी ब्लॉक के जो भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल है। क्या है?
ट्रांजिशन मेटल। ये ट्रांजिशन मेटल होती क्या है, जिनमें डी इलेक्ट्रॉन पार्शियली भरा जाए, डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल, मतलब डी ऑर्बिटल है वो उनका पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, और इन तीनों का डी ऑर्बिटल है वो पूरा भरा हुआ होता है, डी टेन डी टेन डी टेन सब में पूरा भरा हुआ है, इसलिए ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है। इनमें डी है वो 1 से लेकर 9 तक होता है, अर्थात डी है इसमें पार्शियली फील्ड होता है, पूरा फील्ड नहीं होता है। पूरा फील्ड नहीं होता तो लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इस प्रकार से लिगेंड और मेटल के बीच में बॉन्डिंग हो सकती है, इस प्रकार बॉन्डिंग को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। और ये जो मेटल है जिसमें डी ऑर्बिटल पार्शियली फील्डेड होता है, ये ट्रांजिशन मेटल होते हैं, और ये जब दोनों मिलकर के एल और एम बनाते हैं, इस प्रकार को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स संकुल कहते हैं। तो अब हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। उपसहसंयोजी यौगिकों के बंधन समझने के लिए तथा उनके गुणों का अनुमान व तर्कसंगत व्याख्या करने के लिए सिद्धांतों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनकी तर्कसंगत व्याख्या को दृष्टि काफी प्रयास किए गए। इस संबंध में कई आरंभिक प्रयास असफल रहे, क्योंकि संकुल यौगिक में बंधन की व्याख्या संयोजकता की धारणा पर आधारित थी। सबसे पहले हम लोगों ने संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में ही बात करी थी केमिस्ट्री में। इस दिशा में प्रथम सफल प्रयास वर्नर द्वारा किया गया था, लेकिन संयोजकता के इलेक्ट्रॉन के सिद्धांतों के विकास के पश्चात बॉन्डिंग को समझना आसान हो गया। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की कॉन्सेप्ट की क्वांटम मैकेनिकली व्याख्या दिए जाने के बाद इस दिशा में प्रथम सफलता संयोजकता बंध सिद्धांत के रूप में मिली, VBT के रूप में, जिसे विश्व भर के अंदर 1930 दशक में था, उसके पश्चात आने वाले व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। 1950-60 के दशकों में CFT तथा उसके संशोधित रूप लिगेंड फील्ड सिद्धांत के संयोजकता सिद्धांत की जगह ले ली तथा काफ़ी समय तक प्रमुखता में रही। अब मुख्यतः अणुकक्षक सिद्धांत MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का उपयोग किया जाता है, यद्यपि दोनों ही सिद्धांत संयोजकता बंध और क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत का बहुत सीमित उपयोग होने लगा है। उपसहसंयोजक यौगिकों के वर्तमान विवेचन में अभी भी इन सिद्धांतों को काफ़ी काम में लिया जाता है। पिछली कक्षा की पाठ्य पुस्तक में इन लेखकों द्वारा संयोजकता बंध सिद्धांत का विस्तार से वर्णन किया गया। अब हम आगे VBT की बात करेंगे। सबसे पहले VBT की बात करेंगे, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इतना पढ़ा, VBT के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। धन्यवाद।